वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। यहाँ पे हमारे पास दो वॉचेस, काफ़ी कमाल की वॉचेस है। दोनों में बड़ी डिस्प्ले मिलती है, एक में 1.96 इंचेस की डिस्प्ले है और यहाँ पे ये भी एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें भी आपको 1.96 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही, अमेज़ फिट की वॉच है और इसका जो प्राइस है वो है 3500 रुपीज़, और इसका जो प्राइस है वो 3000 रुपये हो चुका है। ये है पेबल की कॉस्मोस वोक, ठीक है। दोनों का कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे आपको बॉडी मिलती है एल्युमिनियम की, यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और ये बॉडी कर्व्ड है, देख सकते हो आप साइड बाई साइड, इसको मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लैट है ऊपर वाली पेबल की और ये वाली कर्व्ड है आपकी, तो ये डिफरेंस मिलता है सबसे बड़े। और यहाँ पे आपको रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है, बट इसमें आपको रोटेटेबल क्राउन भी नहीं मिलता। उसी के साथ साथ पीछे डेडिकेटेड रेड और ग्रीन एक्सन के सेंसर दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लास्टिक बैक है और यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्ट्रैप यहाँ पे 20 mm है और यहाँ पे 22 mm आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो। वैसे स्ट्रैप की क्वालिटी पेबल की काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, मतलब ये एक मैग्नेटिक स्ट्रैप मिलता है तो काफ़ी बेटर फील होता है, आसानी से आप इसको अटैच कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट इसमें थोड़ा सा इसमें क्लैश में फंसाना पड़ता है, फिर आपको वो करना पड़ता है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बेसिकली, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है साइड बाई साइड। यहाँ पे मोटापे की बात में करूँ तो दोनों ही वॉचेस मोटी हैं, थोड़ी सी स्लिम लगती है, बट यहाँ पे पूरा ये मिला के पीछे का बेस तो ऑलमोस्ट इक्वली लगती है, ठीक है। दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ दोनों में ही रेस्ट वेक भी काम करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दी, काफ़ी ब्राइट मिल जाती है दोनों की, पीक ब्राइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ब्राइट हो जाती है दोनों ही डिस्प्ले। और यहाँ पे भी मैं आपको एक ऐसा वॉच का लगा दिखाता हूँ, ये दो यहाँ पे देख सकते हो, सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती है दोनों में ही, एक में बस नाम ही काम कर रहा है उसका फास्ट, इसका अमेज़ फिट का, इसीलिए यहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा है। और दूसरी तरफ है पेबल की कॉस्मोस वोक बेसिकली, इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो कम है, ठीक है, पेबल की वॉच है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस तरीके से ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है और डबल टैप करके मेन्यू चेंज कर सकते हो। वैसे इसमें आपको ज़्यादा मेन्यू नहीं मिलते, इसमें आपको 4-5 मेन्यू मिल जाते हैं। ऊपर की साइड स्वाइप करते हैं टॉगल मेन्यू मिल जाता है दोनों में ही। यहाँ पे टॉगल मेन्यू काफ़ी अच्छा है, यूनिक है पेबल का एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये ओल्ड कह सकते हो डिजो की वॉच का कॉपी लग रहा है मेरे को, या फास्ट ट्रैक की वॉच का भी कह सकते हो। वैसे ये जो अमेज़फिट पॉप 2 उसी का ही टाइप का मिलता है यूआई का। साथ में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज और टॉर्च लाइट सब चीज़ दिखाता है। यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग में मेन चीज़ मिलती है बेसिकली। सेटिंग में आपको यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं 4-5, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ मैनेज यहाँ पे 5 मिल जाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन टाइम 30 सेकंड का मैक्सिमम मिल जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं स्क्रीन टाइम यहाँ पे भी आपको 30 सेकंड का मिल जाता है मैक्सिमम, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रेस्ट ब्रेक है, एओडी क्लॉक मिल जाता है, एओडी क्लॉक यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। एओडी टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो 30 मिनट का मैक्सिमम। उसके बाद एओडी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अलग से वॉच फेस मिल जाता है, जो कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक देता है, ये काफ़ी अच्छा है। बट इसमें स्क्रीन वेक का टाइम 30 मिनट तक मिलता है, बट इसमें स्क्रीन वेक का टाइम 30 सेकंड ही है मैक्सिमम, ठीक है। एओडी क्लॉक यहाँ पे मिल जाते हैं अनलॉक डिजिटल वाली टाइप के, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिंगटोन सेटिंग ऑप्शन होता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रिंगटोन सेट कर सकते हो और यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो कितनी क्या है, ठीक है। और रिंगटोन यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर सकते हो, रिंग वाइब्रेशन पे चूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसमें वो ऑप्शन नहीं है बेसिकली, रिंग वाइब्रेशन प्रॉपरली चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे सेकेंडरी बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो इसमें, जो कि आपको अमेज़ फिट की वॉच में सेकेंडरी बटन नहीं मिलती, तो कहाँ से करोगे कस्टमाइज़। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेज़ में। और लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर आपको शॉर्टकट वापस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब गाइस सारी सारी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। वैसे आप इस तरीके के कंपैरिजन को एंजॉय करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। तो ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, ये इस तरीके से टॉगल मेन्यू मिल जाता है। टॉगल मेन्यू में यहाँ पे ओके, टॉगल मेन्यू तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हम कॉल में लगा देख लेते हैं, यहाँ पे लाउडनेस कैसी क्या मिलती है, यहाँ पे हम इसमें चेक करते हैं। तो ये लाउडनेस आपकी फुल है, ट्रांसफर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोनों में काफ़ी लाउड है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दोनों में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। वॉइस असिस्टेंट भी काम करता है प्रॉपरली यहाँ पे दोनों में ही, कॉन्टैक्ट भी आप सेव कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट हमें चेक कराया था एक बार, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो प्रॉपरली वर्क करता है, वैसे कनेक्टेड नहीं है अभी, इसलिए नहीं बता रहा है शायद, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट मोनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट मोनिटर इसमें मिल जाता है। ओवर द एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी काम नहीं करता, वैसे डेडिकेटेड सेंसर है देखने वाली बात, ये चेक करने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन एक्सन का सेंसर चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं हाथ लगाऊँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रॉपरली चल रहा है इसमें भी। अब ये तो हो गया हार्ट रेट, और उसके बाद यहाँ पे आपको SpO2 लेवल मोनिटर मिल जाता है। इसमें फिर दिक्कत आ रही है क्या, लग रहा है देखो हैंग होगी, पेबल की वॉच में कुछ दिक्कत तो है, आई डोंट नो, यहाँ पे ऐसे किया था मैंने, हैंग सी हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट SpO2 लेवल मॉनिटर। वैसे ऑटो का एयर यहाँ पे नहीं बताएगा, यहाँ पे रेडिक्शन का सेंसर है और यहाँ पे भी रेडिक्शन का सेंसर मिल जाता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ वॉच आती है बेसिकली।
उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड मिल जाता है, यहाँ पे भी वर्कआउट मोड्स हैं, कहाँ गया इधर साइड, इसमें मिल जाता है वर्कआउट मोड सीरा। तो वॉकिंग करते हैं 50 स्टेप चल के, देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किसमें मिलती है। ठीक है, 55 स्टेप चले मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है 59, और यहाँ पे 56 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट मेरे ख्याल से ये परफॉर्म कर रही है पेबल की कॉस्मोस वोक, आई डोंट नो, यहाँ पे इवन अमेज़ फिट से बेटर परफॉर्म कर रही है। स्लीम वाटर में जाता है वैसे, और यहाँ पे नैप्स ऐप्स को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता बेसिकली। और म्यूज़िक कंट्रोल है, दोनों में ही म्यूज़िक सुन सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें कैलकुलेटर मिल जाता है, बट यहाँ पे अमेज़ फिट की वॉच में गेम्स मिल जाते हैं, पाँच चार गेम मिल जाते हैं बेसिकली। इसमें गेम्स नहीं मिलते पेबल की वॉच में, एक में गेम्स नहीं है तो एक में गेम्स हैं, एक में कैलकुलेटर है तो एक में कैलकुलेटर नहीं है, तो ये भी है डिफरेंस कहीं ना कहीं। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन तो है ही फाइनल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाफ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की, कौन सी वॉच बेटर है कौन सी नहीं है। तो फाइनली मैंने दोनों ही वॉचेस को पहन लिया है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है हाथों पे, और क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है ऑब्वियसली बात है इसलिए ज़्यादा प्रीमियम लग रही है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, 97 दिखा रहा है SpO2, और हार्ट रेट हमारा 77 दिखा रहा है। ठीक है, 77 देखते हैं, यहाँ पे 78 हो चुका है, और इसमें 81 दिखा रहा है, क्लोज टू एक्यूरेट है। यहाँ पे 70 दिखा रहा है, देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 79 हो चुका है, और यहाँ पे हमारा तो गैस यस, हार्ट रेट मैटर भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोनों ही वॉचेस में, प्रॉपरली यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब गैस SpO2 चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे भी SpO2 चेक कर लेते हैं। वैसे गैस मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को कि वॉच से आप चेक करें SpO2। ठीक है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 97, 83 SpO2 दिखा रहा है, यहाँ पे अभी कर रहा है स्कैन, 97 SpO2 है उसमें, 98 इसमें। ठीक है, तो गैस यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी वॉच है, डेफिनेटली पेबल। पेबल में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन देखने को जाता है, सेकेंडरी बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये वाला स्टाइल मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। अमेज़फिट की थोड़ी सी महंगी है, अमेज़फिट की वॉच है 3,000 रुपये की, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, बट अगर वही है कि मतलब 3,500 रुपये की मिल रही है अभी आपको, अगर किसी को बाय करना तो मैं इसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकता है, 3,400 रुपीज़ का प्राइस ब्रैकेट मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो गैस Z3 डीप डाउन कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वाली वॉच भी आपको बाय करनी तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं इसको भी सेल कर दूंगा। ठीक है, तो गैस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।